प्रथम वंदना आपकी, गणनायक गणराज आज साधना में करूं पूरण की जयकार। हे प्रभो तुम तो तुमी, तुमसे निराला कौन है, भेद पाले आपका वह पाने वाला कौन है। आदमी कुछ सोचता है पर अकल के फेर में, आप कर देते ही कुछ से कुछ जरा सी देर में। श्रोता बड़ो भाइयों एवं बहनों व प्यार करने योग्य बच्चों, आज हम आपके समक्ष त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से अमीर भाई गरीब बहन की कहानी की ओर लेकर के चल रही हूँ, जिसमें आप सुनेंगे कि किस प्रकार अमीर भाई अपनी गरीब बहन को ठुकराता है। तो आइए सुनते हैं। धनी राम एक भी प्रे रहे हर साई, श्यामपुर गांव में धनी राम ब्राह्मण जी रहते थे। बड़े अच्छे ब्राह्मण थे और कैसे रहते थे सुनो। धनी राम पंडित जी के घर में उनकी पत्नी थी जिनका नाम भानुमती था, उनके एक पुत्र था वीरपाल और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम शीला था। जब धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होने लगे हैं तो हुआ क्या है, एक दिन की बात है कि पंडित जी की तबीयत खराब हो गई। तो भानुमती सोचने लगी है कि हे प्रभु मेरे घर में पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। अरे थी भानुमती प्रिय नारी, अरे निज पति की आज्ञाकारी, अरे प्रभु पिता सिर पे डारी 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 गजब हुई और डारी, की बात है। पंडित जी की तबीयत खराब हो जाने पर दोनों बच्चे रो रहे हैं। भानुमती विचार कर रही है कि घर में पैसा नहीं है, मैं ब्राह्मण जी की दवा कराऊं तो कहां से कराऊं। रोकर के अपने पिया से कहने लगी है, पिया दोनों बच्चे रो रहे हैं घर में इतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। और रोकर के कहने लगी है, बार बार दो बालक रोवे प्रीतम प्राणी आधार, तुम बिन जीवन कैसे कटे गो हमार।
बेटा, तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। बार बार दो बालक रोवे प्रीतम प्राणी आधार, तुम बिन जीवन कैसे कटे वो हमार। भानुमती कहने लगी है, पिया दिन दिन हालत गिरती जाए पड़े नकल, रुपया पैसा खत्म हो गया रहा नवल, रुपया पैसा खत्म हो गया रहा नवल, कमजोरी में तुम मीन जीवन कैसे कटे गो हमार। कब खांसी ने नाथ सब तरे तुम गे, बचना मुश्किल लगे भाग्य फूटे मेरे, रो रो कर कह रही साधना बदन सब्र करार, तुम बिन जीवन कैसे कटे गो हमार। बार बार भानुमती अपने पिया से कहती हैं, पिया आपकी हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही है, दोनों बच्चे घर में रो रहे हैं, मैं दवा करा के हार गई, अब घर में एक भी पैसा नहीं है, मैं दवा कराऊं तो कैसे कराऊं, निस दिन आपकी ये काया सूखती जा रही है, आपकी हालत बिगड़ती जा रही है पिया, मैं क्या करूं। और एक दिन हुआ क्या, गम के बादल छा गए, घटा उठी घनघोर, नारी छूटी पेपर की मचा जोर से शोर। बिगड़ती हालत में जब धनी राम अपने शरीर को छोड़ करके सदा सदा के लिए संसार से विदा हो गए, घर में हाहाकार मच गया, दोनों बच्चे रोने लगे हैं, सारे घर में कोराम मचा, पंछी ने अपना घर छोड़ा, सारे घर में कोराम मचा, पंछी ने अपना घर छोड़ा। Thank you.
आज भानुमती पिया की लाश पर बिलकने लगी और रोने लगी, कहने लगी, पिया पिया तुम हमें छोड़ करके चले गए। और भानुमती क्या कहने लगी, दर्द दिया है तुमने मुझको, जीना मेरा मुश्किल है, प्रीतम मुझको ये बतला दो, धीर धरे ना ये दिल है। भानुमती विलाप करती हैं। गांव वालों ने भानुमती को समझाया और धनी राम की लाश का दाह संस्कार किया। जब लाश का दाह संस्कार किया है तो हुआ क्या है सुनो। क्रिया कर्म करा करके फिर सब घर वाले आए हैं। कुछ समय इस तरह गुजर गया, दिन बुरे न जाने पाए हैं, दिन बुरे न जाने पाए हैं।
समय व्यतीत हुआ। अब वो लड़का और वह लड़की दोनों बड़े होते हैं। लड़का की शादी वाले आने लगे हैं, मगर पिता की दवा कराने के कारण उस घर में गरीबी आ गई थी। शादी वाले आते हैं, धन के ऊपर ध्यान देते हैं, सोचते हैं धन है ही नहीं है, हमारी बेटी दुखी रहेगी, इस कारण लौट जाते हैं। लेकिन लड़का देखने में खूब सुंदर है। एक बार एक शादी वाला आया तो उसने धन के ऊपर ध्यान न देकर के लड़के के ऊपर ध्यान दिया। लड़का खूब सुंदर था तो उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़का के साथ में कर दी। जब गीता नाम की दुल्हन उस घर में आई, अरे भैया जब नई नवेली दुल्हन घर में आई है तो बड़ी खुशी है। जब धीरे 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 समय गुजर रहा है तो हुआ क्या है, बीत गए 6 मास बहू घर में सुंदर आई, और आते आते सुनो बिथा गीता ने फैलाई, नहीं होती है, और कहने लगी अरे मुझे कपड़ा धुलवावे और नन दुल बैठी रहे खाट पे आंखें दिखलावे, और नन दुल बैठी रहे खाट पे आंखें दिखलावे। गीता कहने लगी है पिया तुम्हें नहीं पता है, जब मैं घर पर कोई काम नहीं करती हूँ तो तुम्हारी बहन मुझसे लड़ती है और तुम्हारी माँ भी मुझसे झगड़ती है। गीता कहने लगी है पिया मान ले कि न मेरी सैया और मोई पी हर ले चलो पढ़ू पी तम त्यारे पहिया, भाइयों बहनों अमीर घर की बेटी होने के कारण गीता का मन उस गरीब परिवार में नहीं लगता था। तब वो एक दिन सास और ननद पर दोषारोपण करके बोली पिया रोजाना मुझसे तुम्हारी माँ और बहन की सेवा नहीं होती है, तुम ऐसा करो मुझे तुम मेरे पियर भेज दो, और कहने लगी है पिया अरे आए हाई बिने हमारी मेरी सास करे नित ख्वारी, मुँह पे पैरों को दबवाए तेरी एक दिन की होई तुसे लो रोज सही ना जाए, आए हाय बिने हमारी मेरी सास करे नित ख्वारी, मुँह पे पैरों को दबवाए तेरी एक दिन की होई तुसे लो रोज सही ना जाए, आए हाय बिने हमारी। गीता कहने लगी है पिया कितने साजन बीत गए दिन तेरे घर पर आए,
मुझे तुम्हारे घर में बहुत दुख उठाना पड़ता है। और कहने लगी है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये घर आंगन सैया तेरा छूटे, अपना रहो पिया तेरे संग में, चाहे रिश्ता टूटे टूटे टूटे, पैरों को दबवाए, तेरी एक दिन की होई तो सहलू रोज सही ना जाए, आए हाय बिने हमारी। जब गीता ने इस तरह की बात वीरपाल से कही तो वीरपाल को विश्वास हो जाता है। गीता ने वीरपाल को बहका दिया तो वीरपाल कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं है, यदि तुम्हें यहाँ पर कठिनाई होती है रहने में तो चलो ऐसा करेंगे, ससुराल में ही रहेंगे। अब तो भैया सामान लेकर के जाने के लिए ससुराल के लिए तैयार हो गया और अपनी पत्नी को लेकर के चलने लगा है। कैसे सुनो, लेके चल दो संग दुल्हनिया छोड़ी अपनी नगरी, अपनी नगरी के भैया अपनी नगरी, लेके हाँ लेके आ, लेके चल दो संग दुल्हनिया छोड़ी अपनी नगरी, ससुराल के लिए जाने लगा है। मैया बिन रोवती छोड़ी ने कदया ना आई, मैया बिन रोवती छोड़ी ने कदया ना आई, जब माँ ने देखा है कि हम मेरा बेटा यहाँ से जा रहा है तो अपने बेटा से कहने लगी है, बेटा आगे तुम्हारी बहन इस घर में अकेली है और तुम छोड़कर के जा रहे हो, नहीं मेरे पुत्र ऐसा ना करो। लेकिन उसने एक नहीं मानी, बेटा बेटा कहके मैया गैया सी डगराई, मानो ना काऊ को के ना गैले सीधी डगरी, मानो ना काऊ को, लेके चल दो संग दुल्हनिया छोड़ी अपनी नगरी, वीरपाल अपनी माँ और बहन को रोता हुआ छोड़ करके वहां से चला जाता है। चलते चलते दोनों प्राणी स्टेशन पर आए, पर आए और लेकर टिकट बैठ गाड़ी में हंस हंस के बदलाए, जाको तू के दुनिया सारी नारी ऐसी बिगड़ी, लेके चल दो संग दुल्हनिया छोड़ी अपनी नगरी।
भाइयों बहनों, अपनी माँ और बहन को रोता हुआ छोड़कर के वो अपने ससुराल के लिए चला जाता है। जब ससुराल के लिए चला जाता है, इधर हुआ क्या है सुने। कहानी रंग क्या लाई तुम्हें बतलाने लगे, बिल्लाचारी के दोनों पे हाए आने लगे। कहानी रंग क्या लाई तुम्हें बतलाने लगे, दिन लाचार के दोनों पे हाए आने लगे। याद करके तुम्हारी की बहन रोती है, बड़ी कठिनाई से दोनों की गुजर होती है। बीच मझधार में छोड़ा दगा बेटे ने किया, हाय भगवान तूने हमें क्यों दुख दिया। ले गया छीन के अरमान हम सुनाने लगे, ले गया छीन के अरमान हम सुनाने लगे। कहानी रंग क्या लाई तुम्हें समझाने लगे, बहनों। जब बीरपाल अपनी पत्नी गीता के साथ जब ससुराल में पहुंचा, कैसे रहने लगा है सुनो। बीरपाल को हाल सुनो तत्काल दे बतलाई, जी शेर फतेहपुर गयो रे ना देर उरे लगाई। फतेहपुर गयो रे ना देर उरे लगाई। वहां बाकी ससुराली अंगारी हाल कहे समझाई। गीता ने मोहनी बहनों, गीता ने बीरपाल पर ऐसा प्रेम का जादू डाला कि उसकी ससुराल ही उसकी जन्मभूमि बन गई, अपनी माँ और बहन को भूल गए। ग्रंथों में भी लिखा है, क्या लिखा है कि ससुराल सुख की सार होती है। अगर कोई सार संसार में है तो केवल ससुराल है। अगर ससुराल सार नहीं होती तो भगवान भोलेनाथ अपनी ससुराल पर्वत पर आकर नहीं रहते, भगवान विष्णु अपनी ससुराल क्षीर सागर में आकर नहीं रहते। ससुराल बड़ी प्रिय होती है, अब तो बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन भैया अब दोनों पति पत्नी कार में घूमते हैं। अब देश भैया जरा ध्यान दो, अरे पति पत्नी मौज उड़ावे, We'll be right back.
रहे हैं, दोनों कार में बैठ कर के घूमते हैं, दोनों रोजाना फिल्म देखने के लिए जाते हैं। लेकिन भैया एक दिन हुआ क्या सुने, हे माया ये परम पार रे पार नहीं पाया। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण हुआ करती है। इधर माँ बहन को ठुकरा करके वीरपाल अपनी पत्नी गीता के साथ में चैन की बंसी बजा रहा है। इधर घर में माँ बहन कष्ट उठा रही है, घर में इतनी गरीबी आ गई है कि खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। माँ की हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही है, माँ बहुत कमजोर हो गई है। कमजोर हो जाने के कारण माँ की आंखों की रोशनी भी चली गई, माँ अंधी हो गई। जब माँ अंधी हो जाती है तो शीला विचार करने लगी है कि हे प्रभु, मेरे घर में इतना पैसा नहीं है, मैं अपनी माँ की दवा करवाऊं तो कहाँ से करवाऊं। आज बिचारी पैसा पैसा के लिए भटक रही है। शीला की समझ में आया कि अब तो केवल हमारे पास में एक ही रास्ता है कि हम भीख मांग करके अपने पेट का गुजारा चलाएं। आज शीला भीख मांगने के लिए दर दर पर डोलती है। बारी बार गरीबी, गरीबी का कोई मोल नहीं होता है। इंसान गरीबी में न जाने क्या क्या बोलता है। आज बेचारी शीला भीख मांगने के लिए जाती है। कारी तारी की देखो कारीगरी, मां बेचारी बीमारी हुई, पैसे पैसे को भटक गई, भिक्षा मांगन को तैयारी हुई। बारी योगी सयानी सुता देखी
आज भगवान ने उन्हें कैसे दिन दिखाए। बहन माँ की दवा कराने को भीख मांगती है, दर दर की ठोकर खा रही है। जवान लड़की है, लड़के देख करके हंसते हैं, अब शब्द बोलते हैं, उसके धर्म को नष्ट करने को उस दुखिया का रास्ता घेरते हैं, गरीबी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आज भैया के दिल में बहन के प्रति प्यार नहीं है, मगर फिर भी बहन अपने भैया की याद करती है। बहन और भाई जितना प्यार भला इस संसार में कहाँ है। रक्षाबंधन के दिन जब भैया घर पर नहीं था तो बहन शीला अपने भैया की याद करके और हाथ में राखी लेकर के रोने लगी, कहने लगी, आज मेरा भैया घर पे नहीं है। और कैसे रो रही है, दुनिया बनाने वाले कैसी दुनिया बनाई, मुझसे जुदा किया मेरा प्यारा भाई। आज शीला भगवान की प्रति कहने लगी है, प्रभु मुझसे जुदा किया मेरा प्यारा भाई। मुझसे जुदा किया मेरा प्यारा भाई। दुनिया बनाने वाले कैसी दुनिया बनाई, मुझसे जुदा किया मेरा प्यारा भाई। जब जब महीना आए सावन का आए, तब तब वीरन की याद सताए। मुझसे जुदा किया मेरा प्यारा भाई। दुनिया बनाने वाले कैसी दुनिया बना, मुझसे जुदा किया मेरा प्यारा भाई।
बेचारी इस तरह से रोती हुई भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है। दरी दरी ठोकर खा रही बेचारी दिन रात, मंगरी गरीबी में नहीं दिया किसी ने साथ। एक दिन शीला भीख मांगने निकली, इधर वो भाई अपने दोस्तों के साथ में जा रहा था। मंगर बहन ने तो भाई को पहचान लिया, लेकिन उस धनवान भाई ने अपनी गरीब बहन को नहीं पहचान पाया। आज बहन अपने भैया को टेरती रह गई, भीख मांगती रह गई, लेकिन भैया ने अपनी बहन की तरफ नहीं देखा। जब भैया ने नहीं देखा है तो आज शीला की आंखों से आंसू बहने लगे हैं और कहने लगी, भैया आज तुमने मुझे पहचान भी नहीं पाया। और रो करके कहने लगी है, ओ भैया रे तेरे बिना भी क्या मत तू जा रे, तेरे बिना अब तो है मरना। तेरे बिना भी क्या जीना।
भैया ने बहन की आवाज को नहीं सुना तो बहन वहाँ पर रोती रह गई। और उसके बाद में जब घर पर आती है तो माँ को सारी बात बताई, कहा माँ माँ आज मैंने भैया को अपनी आंखों से देखा, भैया गाड़ी में बैठ करके जा रहा था, माँ मैंने भैया को आवाज भी दी लेकिन माँ भैया ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तो माँ आंखों में आंसू भर के कहने लगी कि शीला यही तो गरीबी का हाल होता है, गरीबी में अपने भी पराये हो जाते हैं बेटी, तुम्हारे धनवान भाई ने इसीलिए तो तुम्हें नहीं पहचान पाया है। इधर वो बीरपाल शराब पी करके गाड़ी में सवार होकर के अपनी ससुराल में पहुंचा। जब ससुराल में पहुंचा धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो एक दिन जीजा और साले में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया लेकिन अवधेश भैया एक बात को ध्यान में रखें, क्या कि ससुरार सुख की सार दिना दुई चार दिना दस बीस तो पना पच्चीस। यदि ससुरार में दो चार दिन रहोगे तो इज्जत होगी, अगर ज्यादा दिन ठहर गए ना तो फिर तो जूता पड़ता है। आओ तो एक दिन की बात है कि गीता क्रोध में आकर के बीरपाल से कहने लगी, अपने भाइयों के पक्ष में आकर के जब झगड़ा हो गया तो क्या कहने लगी कि गीता लागी के न सुरक करने न सुनो चित लाई, तुम काम काज ना करो कहूं समझाई। बीरपाल गाड़ी को लेकर के कुछ धन को लेकर के जब अपनी ससुराल से भाग आया, जाकर के माँ से कहा है कि माँ माँ शीला कहाँ है, तो माँ ने सारी बात अपने बेटा से कही कि बेटा तेरे चले जाने के बाद ये घर धनहीन हो गया था, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, शीला भीख मांगने के लिए गई होगी, पता नहीं बेटा किधर गई होगी। क्या मेरी बहन भीख मांगने के लिए? के हाँ। अब तो पछताने लगा बीरपाल और अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला है। इधर बहन रक्षाबंधन का दिन है, सब बहन अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही हैं, लेकिन बीरपाल के न होने पर शीला विचार करने लगी है कि मैं इतनी अभागनी हूँ, जो मेरा भैया नहीं है मैं क्या करूँ। आंखों में आंसू आ जाते हैं, बेचारी सोचने लगी है कि आज मेरा भैया मेरे घर पर नहीं है, समाज वाले भी मुझे चैन से नहीं सोने देते हैं, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। भीख मांग रही थी, जो भीख में पैसे मिले उस बहन ने विचार किया कि मैं इन पैसों से जहर लेकर के खा लूं तो अच्छा होगा। उसी समय शीला ने जहर खरीदा और जहर खा करके घर की तरफ चली। इधर जब बीरपाल रास्ते में मिल जाता है, बहन लड़खड़ाती हुई जब जा रही थी
तो बीरबल ने अपनी बहन को बाहों में ले लिया। कहने लगा, शीला शीला तुझे क्या हुआ? शीला कहने लगी, भैया आज जब तेरी गरीब बहन इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हुई है तब तुम आए हो। तो कहने लगी, भैया मरती हूँ मैं विष खा कर, बीमार पड़ी है माँ। भैया तू अब बतला दे, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। मेरे भैया प्यारे मुझे इतना बता रे, मैं तुम्हारी बाट निहारती रही। देखी थी बाट तुम्हारी सवेरे त्योहार में, राखी को लेकर किया तेरा इंतजार में। फूटी मेरी किस्मत, मेरी किस्मत अब रूठा है जहां। भैया तू बतला दे, अब जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। मेरे भैया प्यारे मुझे इतना बता रे। भैया मेरे लिए अब जीवन की अब बंद है राहें, मौत आ रही है जाए तो कहां जाए। चिंता में जल रही है, चिंता में जल रही है बिना तेरी यहाँ। भैया तू बतला दे, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। मेरे भैया प्यारे मुझे इतना बता रे। मरती हूँ मैं विष खा कर, बीमार पड़ी है माँ। भैया तू बतला दे, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। इतना कहकर के बहन बेहोश हो जाती है। जब बहन बेहोश हो जाती है तो बीरपाल अपनी बहन को लेकर के घर आता है। जब घर आता है अब तो भैया, जब भैया ने बहन को बेहोश देखा है तो हुआ क्या है? शीला कहकर बेहोश हुई, गिर गई तुरंत बेचारी है। अब इस कथा में
देखेंगे ये पता नहीं है कि शीला अंगी कथा में मरी या जिंदा है, उस भाई का क्या होगा, ये हमारे वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे।